हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल को लेके। ये बेसिकली क्या होता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है ताकि हम फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल से भी पैसा कमा सके। तो बहुत सारे लोगों को इसको लेके बहुत ज़्यादा क्वेरी मेरे चैनल पर ही आया है कि सर आप एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दो, इंस्टेंट आर्टिकल होता क्या है, उसको कैसे मोनेटाइज करना होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पर और उससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो बताऊंगा वो है इंस्टेंट आर्टिकल होता क्या है। तो दोस्तों इंस्टेंट आर्टिकल जो बेसिकली एक आर्टिकल फॉर्म ही होता है जो फेसबुक पेज पे पब्लिश्ड होता है और उसके द्वारा, इंस्टेंट आर्टिकल के द्वारा जो ऑडियंस होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, वो लोग आर्टिकल को बहुत ही जल्दी से कंज्यूम कर सकता है, पढ़ सकता है, वो बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्सिव होता है और उसको फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर रह के ही पढ़ सकता है, वो एक आर्टिकल के जैसा ही आता है। अब बात आता है इंस्टेंट आर्टिकल का क्या रिक्वायरमेंट है मोनेटाइजेशन के लिए, हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम लोग इंस्टेंट आर्टिकल को फेसबुक प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज कर पाए और उससे भी पैसा कमा पाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंस्टेंट आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है मैं वो बता देता हूं। अगर आप एक क्रिएटर हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे काम करते हो और आप चाहते हो कि इंस्टेंट आर्टिकल को यूज करके पैसा कमाओ फेसबुक पेज से, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके पास एक वेबसाइट नहीं तो ब्लॉग होना चाहिए जिसपे आप रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल पब्लिश करते हो, ऐसा वाला ब्लॉग या वेबसाइट आपके पास रहना चाहिए। मतलब कि आपको एक वेबसाइट ओनर होना पड़ेगा नहीं तो एक ब्लॉग का ओनर होना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल का। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको एस्टेब्लिश प्रेजेंस रहना पड़ेगा वेबसाइट का या ब्लॉग का। मतलब जैसे कि हम बताते हैं फेसबुक पेज का एस्टेब्लिशमेंट होता है 90 डेज का। अगर 90 डेज पुराना पेज होगा आपका तो ही फेसबुक पे एस्टेब्लिश प्रेजेंस होता है, वैसे ही आपको वेब प्रेजेंस वाला वेबसाइट या फिर ब्लॉग होना पड़ेगा जिसका एक अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट हो। इसका मतलब होता है कि आपका जो वेबसाइट है या ब्लॉग है वो थोड़ा बहुत पुराना होना चाहिए। नया नया वेबसाइट या ब्लॉग होगा तो उस पर इंस्टेंट आर्टिकल का मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया आता है वो है एटलीस्ट आपके वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे आप जो आर्टिकल लिखते हो वो 10 आर्टिकल एटलीस्ट होना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा लंबा वाला, ऐसा नहीं 100-200 वर्ड में आपने लिख दिया। मिनिमम आप 1000-1500 कैरेक्टर का आर्टिकल लिखते हो, पोस्ट करते हो तो ही वो अप्रूव होने का चांसेस है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है आपके वेबसाइट पे या फिर आपके ब्लॉग पे 10 आर्टिकल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी होगा उतना अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक लोगो होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ब्रांड नहीं हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ जो आर्टिकल लिखता हूँ, वो भी चलेगा, आप एक आपका खुद का लोगो बना लो बस। क्योंकि इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करने के लिए जब स्टेप आप फॉलो करोगे वहाँ पे आपको लोगो डालना है, तो एक लोगो रहना पड़ेगा। ये प्री रिक्विजिट है जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपके पास जो नॉर्मल है एक फेसबुक पेज रहना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट आर्टिकल को आप फेसबुक पेज के द्वारा ही मोनेटाइज कर सकते हो और इंस्टेंट आर्टिकल रन होता है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे। ये फेसबुक ने इसीलिए इंटीग्रेट किया है या फिर इन्वेंशन किया है या फिर बनाया है ताकि मोबाइल यूज़र जितने सारे हैं वो लोग जैसे गूगल पे जाके सर्च करके आर्टिकल पढ़ते हैं, वो गूगल पे ना जाए, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ही आर्टिकल को लुफ्त उठाए, पढ़े, वो भी बहुत ही फास्ट। क्योंकि इंस्टेंट आर्टिकल जो होता है वो नॉर्मल वेब ब्राउजर पे जो आप लोग आर्टिकल ओपन करते हो उससे 10 गुना फास्ट जल्दी ओपन होता है और कोई लिंक ओपन नहीं होता है, तुरंत उस पे आर्टिकल जैसा आ जाता है और आप स्क्रॉल अप करके उसको पढ़ सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ही। ये तो मैंने बता दिया फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंस्टेंट आर्टिकल होता है। अब आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, सर ये सारे चीज़ तो हम समझ गए मगर इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज कैसे करें और उससे पैसा कैसे कमाएं, उसका क्या तरीका है। तो ये तरीका जो है दोस्तों ये एक स्टेप है, प्रोसेस है, जो आने वाले टाइम पे मैं अगर आपके रिक्वायरमेंट रहा तो वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली कि इंस्टेंट आर्टिकल को कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल भेजना होता है, आप ही लगाना होता है, उसका क्या
मतलब वे है। बहुत सारे लोगों को इसको लेकर डर है क्योंकि वीडियो बहुत कम है और जो भी है बहुत टेक्निकल बताते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। टेक्निकल कुछ भी नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करके फेसबुक प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इंस्टेंट आर्टिकल को पब्लिश कैसे करते हैं फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पहले जो मैंने बताया रिक्वायरमेंट, उस पर वेबसाइट या ब्लॉग इसीलिए चाहिए क्योंकि ब्लॉग या वेबसाइट पे आप जो भी आर्टिकल लिखते हो वो ही पब्लिश होगा आपके फेसबुक पेज पे, वो ही आपको दिखने के लिए मिलेगा एज ए इंस्टेंट आर्टिकल आपके फेसबुक पेज पे। अब आपका दिमाग में ये आ रहा है तो हम क्या हमारे वेबसाइट का जो ब्लॉग है या फिर आर्टिकल है उसका लिंक ही हम आपके पेज पे डाल रहे हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक नहीं डाल रहे हो और जो ओपन आप करते हो क्लिक करके वो लिंक ओपन नहीं होता है, वो इंस्टेंट आर्टिकल ओपन होता है। लिंक ओपन होता तो उस पर क्लिक करने से आप दूसरा ब्राउज़र ओपन हो जाता और उसके बाद आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते थे, मगर यहाँ पे इंस्टेंट आर्टिकल के बाब होने के वजह से आप लोग इंस्टेंटली फेसबुक के अंदर रह के ही आर्टिकल को पढ़ सकते हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंस्टेंट आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे बात आता है क्या हम इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में तो समझ गए जितना आपने बताया है, अब हम पैसा कैसे मिलेगा, इंस्टेंट आर्टिकल में ऐड कैसे आते हैं, वो मोनेटाइज कैसे होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट है वहाँ पे एक कोड आपको फेसबुक प्रोवाइड करेगा, वो डालना पड़ेगा आपके पेज पे। उसके बाद आपका जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग है उसका जो यूआरएल रहेगा, जिस डोमेन नेम से आपका बना हुआ है, वो आपको डालना पड़ेगा फेसबुक पे। कहाँ पे डालना पड़ेगा, कैसे डालना पड़ेगा, वही स्टेप होता है, वो मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकल वीडियो बना के अगर आप लोगों का डिमांड रहा। वो आपको डाल के सेव करना पड़ेगा, तब आपका जो फेसबुक पेज है वो और इंस्टेंट आर्टिकल जो है वो दोनों लिंक हो जाएगा। दोनों जब लिंक हो जाएगा तो फेसबुक का जो टूल है पब्लिशिंग टूल, उसके अंदर इंस्टेंट आर्टिकल बोल के एक ऑप्शन आता है, वो क्या करेगा आपके वेबसाइट से सारे कंटेंट को फेच करके अपने टूल के अंदर रख लेगा और फिर आपको एक एक करके मैन्युअली आपके फेसबुक पेज पे पब्लिश करना है। और पब्लिश तभी कर पाओगे जब इंस्टेंट आर्टिकल जो भी रेडी होगा, जो फेच करके लेके जाएगा, वो मैन्युअली अप्रूव होने के बाद आप पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वाइटल है मोनेटाइजेशन के लिए वो ये है कि आपके वेबसाइट में या ब्लॉग पे जो भी कंटेंट आप डालते हो वो कंटेंट 100% जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फेसबुक पार्टनर पॉलिसी और फेसबुक कंटेंट पॉलिसी को मान के होना चाहिए, तभी वो पब्लिश करेगा। नहीं तो मैनुअल रिव्यू जब होगा तो मैनुअल टिप आपके आर्टिकल को अप्रूव नहीं करेगा और आपके आर्टिकल को फेसबुक पेज पे पब्लिश नहीं कर पाओगे। जब तक पब्लिश नहीं करोगे, जब तक लोग उस पे आके क्लिक नहीं करेगा, ऑडियंस आपके आर्टिकल को नहीं देखेगा, तो आपके आर्टिकल पे ऐड भी डिस्प्ले नहीं होगा और आर्टिकल पे जब तक ऐड डिस्प्ले नहीं होगा तब तक आपको रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा और आपका अर्निंग भी नहीं होगा। अब आपको तो उतना समझ में आ गया कि वहाँ पे आर्टिकल आता है फेसबुक पेज पे और उस आर्टिकल पे जब लोग आएगा, विजिटर आएगा, तो उस पे ऐड भी डिस्प्ले होगा और उस ऐड से ही हमारा इनकम होगा। अब वो इनकम हमको मिलेगा कैसे, कहाँ पे हम बैंक डिटेल डालेंगे, कहाँ पे ये सब कुछ होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप इंस्टेंट आर्टिकल को सेटअप पूरा कर लोगे तो वहाँ पे एक सेटअप और भी रहता है। जैसे YouTube प्लेटफॉर्म पे हम जब YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हैं तब हम लिंक करते हैं एडसेंस को, गूगल एडसेंस को, वैसे ही Facebook प्लेटफॉर्म के लिए है ऑडियंस नेटवर्क। हाँ दोस्तों फिर से दोहरा देता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क जो कि गूगल एडसेंस के जैसा ही काम करते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के लिए है, गूगल या यूट्यूब के लिए नहीं है। फेसबुक क्योंकि दूसरा कंपनी है, गूगल दूसरा कंपनी है, तो आपने खुद का खुद एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, तो उनका एडसेंस डिफरेंट है फेसबुक का। तो फेसबुक का एडसेंस आप मान सकते हो ऑडियंस नेटवर्क को, वहाँ पे पब्लिशर और क्रिएटर दोनों जाता है। पब्लिशर क्या करता है, एडवर्टाइज डिस्प्ले करता है और क्रिएटर कहता है क्या है,
वो एडवर्टाइज से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आपको उस ऑडियंस नेटवर्क पे जाके अपना जो बैंक डिटेल है वो डालना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके आर्टिकल्स मतलब फेसबुक पेज पे जो भी आर्टिकल पब्लिश्ड होगा उस पे विजिटर आता जाएगा और एड डिस्प्ले होता जाएगा, वैसे वैसे आपका एड रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा जो कि ऑडियंस नेटवर्क पे डिस्प्ले करेगा। और हर महीने के एंड पे अगर आपने $100 इनकम कर लिया है तो ही आपको पेमेंट मिलेगा, जो कि यूट्यूब के केस पे और फेसबुक इंस्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज होने के केस पे सेम है रूल्स, मतलब $100 होने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज करके फेसबुक पेज से कैसे पैसा कमाना है इसके बारे में तो पूरा जानकारी मिल ही गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त को आगे जाके इंस्टेंट आर्टिकल को कैसे मोनेटाइज करना होता है, स्टेप क्या है, कैसे उसको लिंक करना होता है, ये सारे चीजों के बारे में प्रैक्टिकली सीखना है, जानना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जाना। जितना ज्यादा कमेंट आएगा, जितना ज्यादा लोगों का इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, मैं उतना ही जल्दी इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेटअप करके दिखाऊंगा इंस्टेंट आर्टिकल को, मतलब आपके वेबसाइट नहीं तो आपके ब्लॉग को आपके पेज से कैसे लिंक करना है और फिर इंस्टेंट आर्टिकल को कैसे डाला जाता है और फिर ऑडियंस नेटवर्क को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब जैसे यूट्यूब के साथ हम लोग एडसेंस को जोड़ते हैं वैसे ही फेसबुक पेज के साथ कैसे हम लोग ऑडियंस नेटवर्क को जोड़ेंगे वो भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मगर ये सब चीज़ डिपेंड करेगा आप लोगों के कितना इंटरेस्ट है सीखने का उसके ऊपर। तो अगर किसी के पास ब्लॉग है, वेबसाइट है, तो आप लोग इंस्टेंट आर्टिकल के ऊपर काम करो और घर बैठे बैठे ढेर सारा पैसा इसी के थ्रू कमाओ। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के ज़्यादा लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक बाय।